नमस्ते दोस्तों, पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर हासिल किया। इस वीडियो को देखिए, लगेगा कि यह नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की 10% पॉपुलेशन सब एक जगह पर इकट्ठे होकर आंसर कर रहे थे। 6 मार्च 2024 को सरकार ने नहीं सुनी तो फेमस एजुकेटर इन्वेंटर एक्टिवेटर सोनू मांचू ने फैसला लिया कि वे इंडेफिनेट भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। 21 दिन का अनशन आमरण अनशन बन सकता था। देखिए कि किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़क पर आ जाए तो कितनी बड़ी खबर होगी। इस खबर को दबाया जा रहा है न्यूज चैनल्स के जरिए। प्रोटेक्शन की आखिर क्या मांग है? इससे पहले वीडियो में दिखाना चाहूंगा कि यह बात लद्दाख की नहीं बल्कि देश के कोने कोने की है। यह कहानी रची जा रही है। ये जो पॉलिटिक्स माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है, यह वही माफिया है जिसने हसाड़ी में आग लगा दी, बक्स वहा को तबाह करने पर तुला। यह वही माफिया है जिससे जोशी मत डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंग गिरी, जिससे आज लद्दाख द्वीप को भी खतरा है। अगर इस माफिया को रोका ना गया तो यह देश को तबाह कर देगा। आइए जन समझते हैं इस वीडियो में। तो आप सोनम बांचू को नहीं जानते तो हमें बताना बनता है कि यह वही इंसान है जिससे प्रेरित होकर 3 इडियट मूवी में रेंचो का करेक्टर बनाया गया था। रेंचो ने आविष्कार फिल्म में किए, इसी प्रकार इन्होंने आविष्कार असल जिंदगी में किए थे। 2021 में इन्होंने 16 हीटेड टेंट बनाए थे। इसकी मदद से हमारे देश के जवानों को कड़कती ठंड में रहने की जगह मिल पाई थी। सोनम बांचू ने कार्बन न्यूट्रल सोलर वेल्डिंग को भी डिजाइन किया था। आइस तूफान का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर से डील करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर का निर्माण किया। यही कारण है इन्हें 150 अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और यही सोनम बांचू भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो कुछ प्रॉब्लम तो सीरियस होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों की राइट्स की। लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल में डाला जाए। और लद्दाख के लोगों की चौथी मांग यह है कि सिक्योर जॉब सर्विस कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। पहले सिक्स शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल वह हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेस्ट करता है। देश के आदिवासी लोगों को इसके अनुसार ट्रैवल एरिया में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोगों को खुद के एंटोनोमो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और एंटोनोमो रीजनल काउंसलर बना सकते हैं। इससे ADC और ARC भी कहा जाता है। ली इलेक्ट्रो बॉडीज हैं जिनके पास पावर है ट्रेवल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। लोकल लोगों या आदिवासी लोगों अपनी ज़मीनों को लेकर, अपने जंगलों को लेकर और सोशल कल्चरल कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना पाएं। बाहर के लोग आकर उनकी ज़मीन और रिसोर्स को एक्सपोर्ट न कर पाएं। आज के दिन 6th शेड्यूल अप्लाइड है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम की स्टेट्स ट्रेवल एरियाज में। अब आप सोचेंगे कि लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं होता, तो लद्दाख के लोग इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं? इसके तीन मेन कारण हैं। यह बात सही है कि लद्दाख में ज़्यादा जंगल देखने को नहीं मिलते, लेकिन हर एरिया की अपनी नेचुरल डाइवर्सिटी होती है। और सोनम बांचू ने कई बार समझाया कि लद्दाख का जो एरिया है पर्यावरण परिवर्तन के कारण बहुत ही नाजुक हो गया है। अगर इस एरिया में रिसोर्स को एक्सपोर्ट करने दिया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नेचुरल डिजर्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की संख्या बढ़ जाएगी। 6th शेड्यूल लद्दाख के लोगों को डेमोक्रेसी का अधिकार देगा। आज के दिन लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पर है क्या? BJP ने कहा था कि लद्दाख को हम 6th शेड्यूल देंगे, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6th शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। सितंबर 2020 में पहला मास प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में, फिर दिसंबर 2021 में और नवंबर 2022 में फिर प्रोटेस्ट देखने को मिला। सरकार इन मांगों को मना करती रही। यही कारण है कि आप आज इनडेफिनेट फास्ट फूड देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार
लेकिन लद्दाख को अगर सिक्स शेड्यूल में डाल दिया गया तो लैंड फॉरेस्ट माइनिंग आदि से मोदी सरकार का पावर हट जाएगा। लेकिन लद्दाख को अगर सिक्स शेड्यूल में नहीं डाला गया तो पूरे देश की पर्यावरण में नुकसान हो सकता है। लद्दाख बेहद सुंदर है, यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ इतनी अनोखी है जैसी दुनिया में कोई और नहीं हो, और यहाँ पर बेहद सुंदर जानवर और पानी के रिवर्स स्लिक इतने सुंदर हैं कि यहाँ पर साफ के सफाई के कारण जल साफ नीला दिखता है। और आप लद्दाख गए होंगे तो आप जानते होंगे कि यहाँ के लोग कितने भोले साफ दिखते हैं। यहाँ पर लोग इन्हें देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। हर इंडियन का कर्तव्य होना चाहिए कि लद्दाख जैसी जगहों को बचाए, खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। ये देश के अनमोल रत्न है, लेकिन हमारी सरकार इन अनमोल रत्नों को कैसे ट्रीट कर रही है।